प्रणाम करता हूँ इस महान धरती को, भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और आज बच्चों के साथ साथ सभी माताओं को और मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा लाड दुलार और सुबह की राम राम। इस समय में जो बात करूंगा वह दुर्घटना से संबंधित है। समय बहुत खराब चल रहा है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और दुर्घटनाओं का मतलब यही नहीं कि केवल जरा सी टक्कर हो गई या ये हो गया, ये बहुत बड़ी घटना, कोई ऐसी बड़ी घटना जिससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं उस घटना के बारे में आपसे बात करूंगा। दुर्घटना का मतलब मैं बहुत व्यापक रूप में लेता हूं, वह सारी बात मैं आपसे करूंगा, और उसके संकेत हमें प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से देते हैं। तो व्यापार हो, चाहे वो जीवन के जीवन हमारा दांव पर लग रहा हो या प्रतिष्ठा दांव पर लग रही हो, वह सभी कुछ दुर्घटना के भीतर आता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कब कौन से वह संकेत हमें मिलते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारा जीवन दांव पर लग रहा है, हमारा घर परिवार दांव पर लग रहा है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है या व्यवसायिक प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है। तो संकेतों को समझ लीजिए, थोड़ा गंभीर है विषय इसलिए मैं चाहता हूँ अलर्ट होकर बैठिए और समझिए। सबसे पहले मैं करता हूँ घर की बात, परिवार की बात। घर में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप ये जान सकते हैं कि घर परिवार में किस प्रकार के कष्ट आने वाले हैं। जैसे घर में दरारें पड़ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। यदि अचानक घर में दरारें पड़ रही हैं तो इसका मतलब है आर्थिक संकट। यदि आपके घर में आप निकाले जा रहे हैं, पीपल जमा जा रहा है, बार बार पीपल जम रहा है, बार बार पीपल जम रहा है, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि आर्थिक संकट और बीमारियों से आपको जूझना पड़ेगा। अचानक घर में सीलन आ रही है और आई ही जा रही है, इसका अर्थ है घर में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट भी इससे संभव है। यदि किचन में एकदम से दरारें आने लगी और दिख रही हैं तो इसका मतलब बनते हुए कार्य आपके रुकेंगे तथा पेट के रोग उभरेंगे और परिवार में कलह भी होगी। यदि फर्श में अचानक दरारें आनी शुरू हो गई हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है। परिवार में विभाजन या किसी बुजुर्ग की तबीयत का खराब होना इसकी निशानी है। ऐसे में घर के लोगों को हार्मोन्स की समस्या भी होती हुई देखी गई है। यदि आपके दरवाजों में बहुत सारी आवाज़ें आने लगी हैं, चू 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 की आवाज़ें करते हैं, तो ये मानसिक समस्या के या पेट की खराबी की समस्या के संकेत हैं। यदि घर के पेड़ अचानक सूखने शुरू हो गए हैं तो आपको बहुत सावधानी से वाहन चलाना है, क्योंकि इसका अर्थ है कि वाहन दुर्घटना हो सकती है या अचानक घर के किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो सकता है। तो जो मैंने अभी आपको संकेत बताए, यदि ये संकेत हैं तो उसका वही फल मिलेगा, कमोबेश थोड़ा कम या ज़्यादा वही फल मिलेगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप उपाय करते हैं तो ये उपाय एक छत्र की तरह से आपके और बारिश के बीच में आ जाते हैं। तो कौन से हैं ये उपाय, आप करिए और मस्त रहिए। पहली चीज, पितृदोष का निवारण ऐसे में तुरंत करें। खास तौर से जिनके घरों में बहुत पीपल रहता हो, जिनके घरों में दरारें बहुत ज्यादा हो, वह पितृदोष के उपाय अवश्य किया करें। हर शनिवार करने तो अच्छा है, नहीं तो अमावस्या के अमावस्या तो जरूर करें। मंत्र वही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपके घर के अंदर कहीं भी दरारें दिखाई दें या सीलन दिखाई दे तो घर से कबाड़ निकालना शुरू कर दीजिए। एक और बात, सफेद, हल्का पीला या हल्के हरे रंग का इस्तेमाल अधिक करना शुरू कर दीजिए। जिस घर में सुबह सुबह गायत्री का पाठ होता है, गायत्री का यज्ञ होता है, वहां बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं या उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। देखिए, अगर संचित है खराब तो दंड तो मिलेगा तय है, लेकिन यदि हम कुछ उपाय करते हैं या कहें कि हम प्रायश्चित करते हैं, अपने व्यवहारों को परिवर्तित करते हैं, यही उपाय है ना, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें दंड कम हो जा सकता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस घर के लोग सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं और उसी समय खड़े होकर ओम खकुलकाय नमः या गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उनको दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। जिनके घरों में वो सारे लक्षण उत्पन्न हो जो मैंने बताए, तो ऐसे लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। गौ ग्रास घर से सुबह सुबह
जरूर निकालना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, गाय के ऊपर पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है, अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। एक पशु की हत्या की जाए अथवा ना की जाए, इसको लेकर किसी सभ्य समाज में झगड़े हो सकते हैं, ऐसी तो कल्पना भी कभी नहीं थी। अभी तक तो मैंने आपको बताए थे कि घर में यदि दुर्घटना होनी होती है तो क्या संकेत आ सकते हैं। यूं तो बहुत सारे संकेत आते हैं जिनके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहा भी हूं, बताता रहूंगा भी। अभी मैं आपको व्यक्तिगत दुर्घटना के बारे में बताता हूं। कहने का अर्थ यह है कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम होनी होती है तब क्या लक्षण उभरते हैं। इन लक्षणों को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि आप पर कोई विघ्न बाधा आने वाली है। जैसे मुंह का सूखना, यदि बार बार आपका मुंह सूख जाता है और अभी पानी पिया फिर मुंह सूख गया और फिर पानी पीने की इच्छा हो रही है, या मुंह की लार भी आपकी सूख जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब सूर्यकुपित होकर आपको कुछ प्रॉब्लम देने वाला है, जिसमें प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, जिसमें हड्डियों की हानि हो सकती है, जिसमें स्नायु तंत्र प्रभावित हो सकता है। मूत्र या लिवर संबंधी परेशानियों के भी यही लक्षण हैं। यदि मुंह में थूक बहुत आने लगा, अभी हमने बात की सूखने की, अब बात करें थूक आने की। यदि मुंह में बहुत थूक आता है और इधर उधर ये थूक जम जाता है तो ये मानसिक संघर्ष की निशानी है और पिता और प्रतिष्ठा पर संकट की भी निशानी है, पिता के सुख में कमी की भी निशानी है। तो आपको कुछ उपाय ऐसे में तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। गर्दन में यदि बार बार आपके झटके आ रहे हैं, अचानक ऐसे ऐसे करके या अचानक ऐसे करके आप करने लगते हैं, या स्प्रेन आ जाता है, नसें खिंच जाती हैं, तो इसका अर्थ है प्रतिष्ठा को संकट आने वाला है, धन की हानि होने वाली है और कोई रक्त संबंधी समस्या हो सकती है। गुरु से मनमुटाव या शिक्षक से मनमुटाव, या ऐसा व्यक्ति जिसे आप गुरु की तरह से मानते हैं और उनसे आप सलाह लेते आए, मशवरा लेते आए, कुछ सीखा है जिनसे आपने, वह आपके गुरु हैं। यदि आपका उनसे मनमुटाव हो रहा है, उनका आपसे हो रहा है, तो चलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, आपका उनसे मनमुटाव हो रहा है या वह किसी बात से बार बार नाराज हैं, गंभीर रूप से नाराज हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। और अब गुरु मंत्र। करवा चौथ की पूजा के बाद मिट्टी के करवे से, ये करक चतुर्थी है भी कहते हैं ना इसे, तो मिट्टी के करवे में जल आदि लेकर फिर आप छत पर जाते हैं या मैदान में जाते हैं, चंद्रमा के दर्शन करते हैं। इसमें बाल चंद्र के ही दर्शन करने हैं। बहुत सारी बच्चियां या बहुत सारी माएँ बहनें वह लेट हो जाते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं, उन्हें लेट नहीं होना है। दिल्ली में चंद्रोदय है 20:26 पर। 20:26 या 30 मिनट तक आप अपने उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां आपको चंद्रमा दिखना है और थोड़ा देर चंद्रमा का इंतज़ार कीजिएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपको पूजा कौन सी करनी है। शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी की, ये तीन पूजाएं अवश्य करें। आज मेरे कहने से आप 21 बार महामृत्युंजय का जप जरूर कर लें। बहुत सारी बहनों को बच्चियों को याद ही नहीं होगा, सीख लें महामृत्युंजय का जप अवश्य कर लें। और शिवलिंग पर अगर हो सके थोड़े से दूध में शहद घोलकर वह इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें, जो समय मैंने आपको बताया था 17:33 से 18:51 तक का, इस बीच में ऐसा कर लें, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा होगा। मैं मंत्र को, जप को, व्यवहार के परिवर्तन को हमेशा ज़्यादा तरजीह देता हूँ बाकी उपायों पर। यदि आप ये करेंगे वो सुनेगा। इस दिन ज़रूर सुनते हैं माताओं की, बहनों की, बच्चियों की बात। प्रभु सारे दिन के भूखे जो होते हैं, ईश्वर आपको बहुत सुख दे, सारी दुर्घटनाओं से आपको बचा कर रखे और साथ ही साथ आपके ग्रस्त जीवन को खुशियों से भर दे। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार, शुभकामनाएं।